मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें तुम्हारे साथ कब्र तक जाएंगी, तो कुछ भी नहीं जाएगा, गाड़ी, कार, कोठी, यार, सज्जन, बड़ी दुनिया जानती है, रोड से मेरा नाम पूछ लेना, मैं फुलां होता हूँ, मैं फुलां, ये सारी चीजें इधर ही हैं, ये यहाँ तक हैं, शोहरतें, सारा कुछ, तीन चीजें फकत जाएंगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी? तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक इल्म नाफे, अपने इल्म से किसी को फायदा दे जाओ, और दूसरा फरमाया नेक औलाद जो तुम्हारे पीछे दुआएं करेगी, और तीसरा फरमाया सदका जारिया, कोई ऐसा काम कर जाओ जो तुम्हारे पीछे जारी रहे, जिसका सिलसिला बनता ही रहे, जिसकी बात होती ही रहे, ये सदका जारिया है, ये तुम्हारे लिए हमेशा जारी रहेगा। वो शख्स जिसने कुआं खुदवाया, वो जिसने कब्रिस्तान को जगह छोड़ दी, वो जिसने रास्ता कुशादा कर दिया, वो जिसने अपनी जमीन मस्जिद को वक्फ कर दी, वो जिसने मदारस के लिए जगह दे दी, वो जिसने मस्जिद की तामीर करा दी, वो आदमी जिसने गरीबों के लिए आसानियां पैदा कर दी, वो शख्स जिसने कुरान पाक किसी को पढ़ा दिया, फिर जिसको उसने पढ़ाया उसने आगे पढ़ाया, फिर उसने आगे पढ़ाया, वो जिसने किसी आदमी की जायज सिफारिश करके उसको किसी मुश्किल से निकाल दिया और उसकी सारी औलाद उसके लिए दुआएं करने वाली बन गई, कोई सदका जारिया जिंदगी में कर जाओ, तुम चले भी जाओगे तो तुम्हारा वो सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। मेरे अजीज, जाया नहीं करें वक्त को। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो चीजें ऐसी हैं जिनमें बहुत सारे लोग धोखे का शिकार हैं, उन्हें गलती लग गई दो चीजों के बारे में, दो चीजें, सही बुखारी है, लोग गलत फहमी का शिकार हैं, दो नेमतें ऐसी, या रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया, एक तंदुरुस्ती, एक फुर्सत। लोगों को पता ही नहीं हमारे पास कितनी बड़ी नेमतें, मुझे आज वक्त मिला हुआ है, मेरे पास टाइम है, मैं दुरूद पाक पढ़ सकता हूँ, तिलावत कर सकता हूँ, अल्लाह को याद कर सकता हूँ, सदकात कर सकता हूँ, किसी की मदद कर सकता हूँ, फुर्सत है। और एक सेहत। और सजनों, वो लोग भी हैं जो अब कुर्सियों पर नमाज पढ़ते हैं, वो भी हैं कुछ सहारा दे तो वजू करते हैं, वो बेचारे भी हैं कि जिनका दिल करता है कि मस्जिद जाके नमाज पढ़ूं, लेकिन अब आने की ताकत मौजूद नहीं रही, उससे पहले पहले, उससे पहले पहले, वरना ओढ़कते दिन आया है मोहम्मद, इन्हें होर कड़ी नु डूब जाना है। अपनी डायरी को खोल लें, अपनी तरजीहात तय कर लें, तसलसुल से उस पर मेहनत करें, तसलसुल से उस पर मेहनत करें।